नमस्कार, मैं सरस्वती नवभारत समाचार में साउथ इंडिया का सबसे बड़ा हिंदी न्यूज चैनल। तो आज हमारे साथ है सुनीता जी, क्रेव ब्यूटी पार्लर की ओनर। नमस्ते सुनीता जी। नमस्ते एंड नमस्ते नवभारत समाचार। तो आज हम इनके साथ ब्यूटी टिप्स के बारे में वार्तालाप करने वाले हैं। तो सुनीता जी बताइए, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा ये नवभारत समाचार में दूसरा शो है। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। तो हम यहाँ पे ये पूछना चाहते हैं स्किन केयर के बारे में। जैसे हम टीनेजर्स हैं और हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किन होते हैं, तो आप कुछ बताना चाहती हो सारे स्किन केयर के बारे में, लाइक सारे स्किन टोन के लिए? मेरा ये मानना है कि पहले आपको अपना स्किन समझना चाहिए कि आपका स्किन कैसे है। लाइक जैसे होता है ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, टी जोन स्किन, किसी का फोरहेड ऑयली होता है, किसी के चिक्स ऑयली होते हैं। तो ये आपको पहले अपना सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि आपकी स्किन कैसे है। उसके बाद मैं आपको वो जो टिप्स बताऊंगी वो हर एक स्किन के ऊपर काम करेगा। तो आप कुछ बताइए, जैसे अभी बहुत अलग अलग स्किन टोन होते हैं सबके, स्किन कलर्स होते हैं सबके, तो कोई ऐसा नेचुरल टिप जो सबको सूट करे, जैसे सारे एजेस को और सारे टोन्स को? इसमें मैं आपको 5-6 टिप्स शेयर करना चाहूँगी। पहला तो ये टिप मैंने आपको बता दिया कि ये स्किन है, आपको अपना स्किन देख लेना चाहिए कि वो ड्राई है या ऑयली है। उसके बाद ये तो पहला हो गया। सेकेंड आपका टिप होगा कि आपको पानी बहुत पीना पड़ेगा। बहुत मतलब मेरा मतलब है 2.5 लीटर से 3.5 लीटर तक। हाइड्रेटेड है ना? हाइड्रेटेड, हाँ जी। क्योंकि हम काफ़ी लोग बोलते हैं कि पानी क्यों इतना ज़रूरी है। तो जैसे मैं आपको सिखाती हूँ कि मैं पानी पीना कैसे सीखी। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी मेरे को एक ही बात बोलती थी, पानी पीना इतना ज़रूरी है अपने लिए। जैसे कि समझ लो कि एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे कि हम लोग रोज शावर करते हैं, अपनी बॉडी को बहुत साफ और नीट रखते हैं और शावर करते हैं आप एकदम फ्रेश हो जाते हो। तो वैसे ही होता है कि जब पानी आप इनटेक कर रहे हो, आप अंदर डाल रहे हो पानी पेट के अंदर, तो आप इतना खाना खाते हो, इतने मतलब चीज़ें सुबह से लेकर शाम तक खाते हो, तो ऐसे लगता है जैसे आप पानी पी रहे हो तो आपका स्टमक साफ हो जाता है। ये मेरी दादी मुझे ऐसे समझाती थी बचपन में, तो मैं उसको ही आज फॉलो करके आपको भी यही बता रही हूँ कि पानी इतना ज़रूरी है अपने स्किन के लिए कि आप 15 दिन ही पियोगे ना कंटिन्यूस, जैसे 2.5 लीटर से लेकर 3.5 लीटर तक, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि किस स्किन का इसमें कैसे मतलब डिफरेंस लग रहा है आपको। तो आप कुछ बताना चाहोगी, जैसे कोई क्रीम्स हमको, जैसे नाइट क्रीम्स या डे क्रीम्स जो हम यूज़ करते हैं, क्या आप उन सब में अग्री करती हो कि वो सच में बहुत यूज़फुल है हमारे लिए? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि मैं आज तक बिलीव नहीं करती हूँ कि डे क्रीम और नाइट क्रीम यूज़ करना चाहिए। क्योंकि डे क्रीम अगर आप यूज़ करते हो तो नाइट में मत यूज़ कीजिए, क्योंकि आप अगर क्रीम से ही पूरा दिन आपका फेस कवर हो जाएगा तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपके स्किन के ऊपर। जी जी। तो लोग क्या करते हैं, डे के टाइम डे क्रीम यूज़ करते हैं, फिर रात को सोने के टाइम भी नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं, तो आपका ब्रीथ कब होगा आपका स्किन? तो मेरे ख्याल से तो आपको एक ही क्रीम यूज़ करना चाहिए, डे क्रीम, वो भी मॉइस्चराइजर। नहीं तो जो मैं टिप्स आपको बता रही हूँ पहले आप वो यूज़ करके देखिए कि आपको क्या उसमें फ़र्क लगता है, तो आपको डे क्रीम और नाइट क्रीम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें। जैसे अब मैं आपके सामने बैठी हूँ तो आप बता सकती हो कि मेरा स्किन टोन कैसा है और कोई सॉल्यूशंस जो स्किन टोन को नॉर्मल कर सकूँ मैं? या आपका मुझे जैसे लग रहा है, मैंने टच तो नहीं किया आपके फेस को, लेकिन मुझे जैसे लग रहा है कि आपका फोरहेड ऑयली है जी, और इधर चीक्स के इधर थोड़ा बहुत ऑयली है, बाकी आपका फेस नॉर्मल है। तो ये नहीं, मैं एक ही स्किन के लिए नहीं बताना चाह रही हूँ, मैं हर एक स्किन के लिए बताना चाह रही हूँ कि ये जो टिप्स मैं बता रही हूँ वो ऑयली स्किन वाला भी यूज़ कर सकता है, ड्राई स्किन वाला भी यूज़ कर सकता है, इवन एक्ने को वो भी यूज़ कर सकता है। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया आपको अपनी स्किन को समझ लेना चाहिए, दूसरा आपको पानी पीने का है, और तीसरा आपको मतलब फेस वॉश ज़रूर करना है दिन में 3 या 4 बार। जी। क्योंकि क्यों यूज़ करना है उसका भी मैं आपको बता दे रही हूँ। मतलब जैसे आप बाहर निकलते हो
जेंट्स लोग बाहर निकलते हैं, टीनेजर्स बाहर जाते हैं स्टडी के लिए, इतना स्ट्रेस होता है लोगों को, इवन हाउस वाइफ किचन में काम करती है, घर का काम करती है, तो वो डस्ट एंड पोल्यूशन इतना होता है कि अपने फेस पे वो चिपकते जाता है। जी जी जी। तो उसको साफ करने के लिए लोग क्या करते हैं, मतलब सोप से यूज़ करते हैं कि सोप से यूज़ करेंगे तो फेस ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं। आप 2-3 बार फेस यूज वॉश कर लीजिए हर 1-1.5 घंटे में प्लेन वाटर से, और फिर नैपकिन से पोंछ लीजिए, बस वो ही है। और उसके बाद जो और एक टिप है, जैसे मॉर्निंग आप अगर सोप यूज करते हो तो पूरे बॉडी को आप यूज़ कर सकते हो सोप, लेकिन फेस को नहीं, क्योंकि फेस में सोप यूज करने से क्या होता है, आपका ड्राइनेस और बढ़ जाता है, उस टाइम आपको ऑयली और अच्छा लगेगा, मतलब मॉइस्चराइजर लगेगा, साफ लगेगा, लेकिन लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं है वो, ये मेरा मानना है। जी, तो आप कभी ऐसे नाइट रूटीन्स को फॉलो किए हो, या आप हमें रिकमेंड करते हो या लोग रिकमेंड करते हो नाइट रूटीन्स फॉलो करने के लिए? जैसे लोग यूज़ करते हैं नाइट क्रीम देन मॉइस्चराइजर ऐसे सब, तो आप ऐसे बोलती हो कि रिकमेंड करती हो कि करना चाहिए, वो स्किन के लिए बहुत सही होगा? या मैं आपको जैसे टिप्स दे रही हूँ, पहले आप 15-20 दिन को यूज़ करके देखिए, फिर आप खुद जज कीजिए कि आपको नाइट क्रीम यूज़ करना चाहिए या डे क्रीम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से जब आप ये 2-3 टिप्स यूज़ करोगे तो आपकी स्किन अपने आप ही निखर के आ जाएगी। तो ये ऐसे सिंपल टिप्स है, जैसे पहले हो गया मैंने आपको अपना स्किन बता दिया, स्किन समझ लीजिए आप अपना कैसे है। सेकेंड, पानी पीना ज़रूरी है। 3rd, 3-4 बार फेस वॉश करना ज़रूरी है। 4th, आपको जब आप करते हो मतलब सोप फेस पे मत यूज़ कीजिए, आप यूज़ कर सकते हो जैसे आजकल मार्केट में बहुत स्क्रब्स मिल रहे हैं, फेस वॉश मिल रहे हैं, तो आप स्क्रब एवरी डे यूज़ कीजिए, लेकिन जब आप स्क्रब यूज़ करते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कभी आपको वाइट सेट एंड ब्लैक हेड्स का अता पता भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है नोज़ पे या चिक्स पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं, तो वो डस्ट और पोल्यूशन के लिए ही होते हैं काफ़ी कर दर, यू नो। इसके वजह से मैं सबको यही सलाह देती हूँ कि स्क्रब यूज़ करना ज़रूरी है बहुत। तो फेस पे आप साबुन मत यूज़ कीजिए, सोप बिल्कुल आप अवॉइड कीजिए अपने फेस पे यूज़ करने के लिए, स्क्रब यूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि स्क्रब बहुत हार्ड है तो आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। आजकल तो मार्केट में इतने ब्रांड्स आ गए, तो वो आपको जज करना है कि आपको कौन सा लेना है, कौन सी कंपनी का लेना है, क्योंकि प्राइस डिफरेंस भी होता है, तो हर कोई अपने पॉकेट के अनुसार से जाएगा, यू नो, स्किन टोन के हिसाब से और के हिसाब से भी यूज़ करना चाहिए। या तो आपको मतलब स्क्रब अगर रोज़ नहीं यूज़ करना है तो 2x a week कर लीजिए स्क्रब यूज़, लेकिन स्क्रब यूज़ करने का भी एक तरीका होता है कि इसको बहुत हल्के से यूज़ करना है, लोग इतना दबा दबा के अपने फेस को यूज़ करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, फेस को जब हम टच करते हैं तो हमको ऐसे फील होना चाहिए कि ये बेबी स्किन है, क्योंकि जब हम अपने फेस को रब करते हैं तो हम लोग बहुत ज़ोर से जो इसे घस घस के जो रब करते हैं, वो क्या होता है, आप अपने स्किन को नीचे ऊपर कर रही है। तो स्किन ये समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में कि ये आपका स्किन एक इलास्टिक है, जितना आप उसको पुल करोगे उतना आपको रिंकल्स जल्दी आने की चांसेस है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब मैं देखती हूँ लोगों को इतना ज़ोर ज़ोर से रब करते हैं तो उनसे मैं सवाल करती हूँ कि ये क्यों आप ऐसे इतना ज़ोर से यूज़ करते हो, तो बोलते मैल कैसे निकलेगी, तो नहीं, ये बहुत गलत तरीका है। आपको हल्के से बिल्कुल लाइट, जैसे अपने न्यू बॉर्न बेबी को यूज़ करते हैं, आप आज के बाद ये समझिए आपका फेस एक न्यू बॉर्न बेबी है, तो बहुत हल्के से बिल्कुल वजन नहीं डालना है उसको, और जब आप स्क्रब यूज़ करते हो तो आपकी स्किन नहीं हिलना चाहिए, स्किन उधर ही रहना चाहिए, आपको अपने फिंगर्स को मूव करना चाहिए क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज, क्योंकि जितना आप हार्ड यूज़ करोगे उतना आपको रिंकल्स ज़्यादा आ जाएंगे, तो ये एक कारण है। दूसरा, पानी भी अगर आप अच्छी तरह पीते हो तो आपको खुद लगेगा मेरे रिंकल्स में फ़र्क आ रहा है कुछ, क्योंकि एक ऐसे इलास्टिक है, आप उसको क्लीन करते हो, और जब आप इवन नैपकिन से पोंछते हो फेस, तो लोग क्या करते हैं नैपकिन से भी पोंछ के वो ऊपर नीचे की तरफ घसते रहते हैं टॉवल से, वो भी नहीं करना चाहिए। आपको नैपकिन लेना चाहिए, उसको फोल्ड करके उसको डैप करना चाहिए, सब पानी को आपको सुखाना चाहिए, ना कि उसको रब करना चाहिए, क्योंकि ये स्किन अपना ऐसा है जितना आप पुल करोगे आपके रिंकल्स उतने ही जल्दी आ जाएंगे। जी, तो ये मेरा मानना है कि आपको ये नहीं, ऐसे नहीं पोंछना चाहिए,
प्लस आपको मतलब स्क्रब यूज़ करना चाहिए, एक स्क्रब नहीं तो फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद और एक टिप मैं इम्पोर्टेंट आपको बताती हूँ, आप जब रात को पूरा काम करके थक हार के जब आते हो घर पे, या पूरे किचन का काम ख़त्म करके आप अपना टेक केयर करना चाह रहे हो, या वॉशरूम में जाकर एक बेबी ऑयल ले लीजिए आप, बेबी ऑयल या कोकोनट ऑयल या एनी क्रीम जो आपके घर में अवेलेबल है, वो आप थोड़ी सी क्रीम लगा कर फेस को अच्छी तरह रब करके, लेकिन वो रब भी आपको हल्के से करना है, ऐसे नहीं कि दबा दबा के करना, अच्छी तरह रब करके कॉटन या टिश्यू पेपर के साथ उसको हल्के से पोंछ दीजिए। आप जब पोंछोगे तो आपको खुद लगेगा कि उसके अंदर डस्ट कितनी आ गई है, तो पहले वो करके फिर आपको फेस वॉश करना चाहिए, क्योंकि जब वो डस्ट पूरा निकल जाएगा, आपका फेस बिल्कुल साफ हो जाएगा, उसके बाद आपको लगना चाहिए कि हमारा फेस क्लीन हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बेबी ऑयल, मैंने बोला है तो बेबी ऑयल ही, आपके घर में जो अवेलेबिलिटीज है, जैसे बेबी ऑयल, जॉनसन बेबी ऑयल, या आजकल मदर केयर में भी बहुत अच्छा ऑयल मिलता है, मदर केयर का ऑयल, या तो आप वो दोनों नहीं लेना चाह रहे तो कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो, कोकोनट ऑयल या हल्के से कोई क्रीम है, आप उससे भी अपना फेस साफ कर सकते हो।